दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो आज सुबह से दिन दशा लगातार खराबी चल रहा है। अब समस्या ये रही कि तीन चार अनार था, तो अनार का मैं सोचा कि आज जूस बनाऊंगा। अब मुझे क्या पता जूस बनाने वाली अलग मशीन आती है कोई। अब अलग मशीन तो आई नहीं और मेरे पास कोई है भी नहीं। मेरे पास है वो जिसमें हम ग्रेवी वगैरह नहीं बनाते हैं, वो वाली मशीन, ग्राइंडर मशीन, जिसमें मसाला वसाला पीसते हैं। अब मैं आया, चार अनार छुड़ा के मैं सोचा कि आज मैं जूस बनाऊँगा, जो अपनी मैंने मना किया उसने बनाना मत। लेकिन भाई मैं तो सोचा कि चलो, बुद्धि नहीं होगी उतनी, इसने मना किया। मैं आया, इसी मशीन में चार अपना अनार छुड़ा के आधा घंटे मेहनत करने के बाद अनार छुड़ाए थे, डाल दिया। और डालने के बाद सोचा कि अब तो रस खूब हरा हर रस निकलेगा उसमें से पीने के लिए, बस काला नमक छिड़क के अपना पीना है आराम से। लेकिन जब निकला उसमें से, मैं सोचा कि अब पीने का टाइम, एक बार देखते हैं खोल के कैसा बना है। जब निकला तो मसाला नहीं पीसते हैं, ग्रेवी टमाटर वमाटर सारा उस तरीके से, ऊपर से इतने मोटे मोटे उसमें दाने टाइप के, यार अजीब से बना, मूड खराब हो गया। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये जितना भी था हमने इस डस्टबिन में इसमें डाल दिया, और डालने के साथ मेरा मुँह उस अनार के छिलके जैसा हो चुका है। तो एक तो अनार का कांड हो गया, आज एक अनार कांड हो गया, एक और भी कांड हुआ था सुबह सुबह, वो कांड था मैंने अपना ग्राइंडर भी बिगाड़ दिया। एक दूसरा वाला ग्राइंडर था, वो ग्राइंडर होता है कौन सा, ये वाला ग्राइंडर है, हैंड ग्राइंडर नहीं बोलते इसको, हैंड ब्लेंडर बोलते।